अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? सब खैरियत से हैं। आज 2 मार्च 2024 है। अभी जो आने वाला मंडे है, इसके बाद जो सेकंड मंडे आएगा या ट्यूसडे, यानी कि 11 या 12 मार्च को इंशाल्लाह पहला रोजा होगा। सो रमजान की आमद है। जब रमजान की आमद आती है तो रमजान के हिसाब से जो फीलिंग्स होती हैं, जो तासरात होते हैं, जो एक माहौल बनना शुरू होता है, वो काफी मुख्तलिफ होता है। ऑब्वियसली आप काफी सारे लोगों ने जो पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं और दुनिया में मुसलमान रहते हैं, उनको भी इस फीलिंग का अंदाजा होगा कि मैं किस फीलिंग की बात कर रहा हूं। जो एक ओवरऑल माहौल होता है, वो वाइब्स होती हैं, वो डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। और खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वहां पे जो माहौल होता है, वाइब्स होती हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। माहौल चेंज होना शुरू होता है क्योंकि इंसान की रूटीन चेंज हो जाती है। रमजान के हिसाब से, रोजे के हिसाब से रूटीन चेंज होती है, माहौल चेंज होता है, वहां के जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उसमें तब्दीली आती है। तो उसके हिसाब से मुख्तलिफ चीजें फिर तब्दील होना शुरू होती है और आपकी लाइफ के अंदर भी एक चेंज आता है। और जो मैंने पर्सनली खुद नोटिस किया है, चीजें काफी ज्यादा वक्त के पाबंदी के हिसाब से चल रही होती हैं, क्योंकि रोजा रखना, रोजा बंद करना, रोजा खोलना, फिर तरावी का एहतमाम, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो वक्त की पाबंदी के साथ होती हैं और एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ के अंदर। तो रमजान हमें कंट्रोल भी सिखाता है और डिसिप्लिन का भी दर्ज देता है और डिसिप्लिन भी सिखाता है। तो ये अच्छी चीज है रमजान के हवाले से। तो खैर, रमजान दोबारा आने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो रमजान नसीब फरमाए और रमजान की जो भी फजाइल हैं, बरकात हैं, वो हम सबको अता फरमाए। तो रमजान के हवाले से ही थोड़ी सी बात करूंगा। रमजान की आमद के साथ ही आपको पता है कि लोग रमजान की तैयारी शुरू कर देते हैं, चाहे वो उनकी जो ग्रोसरी आइटम्स हो, सौदा हो, वो लेके अपने पास रख लेते हैं ताकि रमजान में मसरूफियत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो रमजान से पहले अगर सारी चीजें आ जाएं तो वो एक थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और कुछ लोग रमजान के दौरान भी परचेज कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का इस तरह की कोई रूटीन हो कि वो रमजान के दौरान साथ साथ चीजें परचेज करते रहे। ऑब्वियसली जो नॉर्मली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो तो पहले से स्टोर नहीं किए जा सकते, वो तो साथ साथ ही परचेज किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेन मेन आइटम है, जैसे बेसन वगैरह, बाकी चीजें, तो इस तरह के जो आइटम जो रमजान में ज्यादा यूज होते हैं, तो वो पहले से परचेज किए जा सकते हैं। तो उसी हवाले से रमजान के ऊपर अगर सेल्स मिल जाए, रमजान के ऊपर अगर डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर किए जाए, तो ये लोगों के लिए थोड़ी सी बेहतरी का मामला हो सकता है और आसानी हो सकती है। तो उसी हवाले से यहाँ पे जो 4 पाकिस्तानी स्टोर्स हैं, उसमें से कम अज कम 3 के ऊपर जो है वो सेल्स लगाई गई है और लोगों को यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर किए जा रहे हैं और रमजान के हवाले से सेल्स दी जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। तो उसी पर थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, ये वाला जो है नया स्टोर जो खुला है IQ ग्रोसरी, उसका पंफलेट है, ब्रोशर कह लें, तो वहां पे रमजान के हवाले से 10% ऑफ लगा हुआ है तमाम चीजों के ऊपर। और ये कुछ उन्होंने अपने मेन आइटम्स नीचे दिखाए हुए, इसमें बेसन वगैरह, खजूर बेसन है, फेनी, रूह अफजा, तो इस तरह के जो नॉर्मल रमजान के हवाले से जो आइटम होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे उसकी प्रमोशन की हुई है, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर या 10% ऑफ के ऊपर मौजूद हैं। ये हमारा दूसरा स्टोर है, यूनिवर्सल हलाल मीट एंड ग्रोसरी। ये काफी पुराना स्टोर है और इनकी जो रमजान के हवाले से रेट लिस्ट है, आई थिंक डिस्काउंटेड रेट लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, वो इन्होंने मस्जिद में रखी हुई थी, तो वो मैंने ली है। तो यहाँ पे भी आपको प्राइसेस नजर आ रहे होंगे, तो उससे थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि रमजान के हवाले से जो सेल लगी हैं उसमें उन्होंने प्राइसेस कम किए हुए, क्योंकि ऊपर रमजान सेल लिखा हुआ है और ये उनके डिस्काउंटेड प्राइसेस एक तरह से नजर आ रहे हैं। So that is good. अच्छा भाई, ये मैंने आपको 2 पाकिस्तानी स्टोर्स पे जो रमजान की सेल्स के हवाले से जो ऑफर्स हैं या जो डिस्काउंटेड प्राइसेस उनकी हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की, जो उनके पंपलेट के ऊपर, ब्रोशर के ऊपर जो प्रमोशन के लिए उन्होंने पब्लिश करवाई हैं, प्रिंट करवाई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी मैं जा रहा हूँ देसी ग्रोसरी, जो एक और तीसरा पाकिस्तानी स्टोर है यहाँ पे, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज करनी है, तो मैं वहां जाके आपको रमजान की सेल्स के हवाले से जो माहौल है, वहां पे जो सेल्स लगी हुई है या जो स्टोर पे जो भी उन्होंने आइटम लगाए हुए हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर, तो देखते हैं कि वहां पे क्या सीन है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये लेफ्ट साइड के ऊपर कोने पे है देसी ग्रोसरी, तो यहां से कुछ चीजें लेनी है, तो यहां जाके चेक करते हैं। लेट्स सी, देखें खजूर, तो ये सारे इस तरफ जो है ना सेल वाले आइटम,
अच्छा, पाकिस्तान में अभी आजकल का क्या माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी बड़े बड़े स्टोर्स काफी सालों से खुल गए हैं जिसमें इम्तियाज है, चेज है, तो वहां पे भी ग्रोसरी आइटम सेल होते हैं, तो अगर किसी को इस बारे में एक्सपीरियंस है कि वहां पे भी रमजान के हवाले से सेल्स लगाई जाती है तो वो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर रमजान के हवाले से इन बड़े स्टोर्स के ऊपर या कुछ और ब्रांड्स के ऊपर सेल्स लगाई जाती है जहाँ पे मुख्तलिफ ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं तो ये अच्छी चीज है, और अगर ये चीज हो रही है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर नहीं हो रही तो इसको स्टार्ट कर ले, कोई एक अच्छा इनिशिएटिव ले ले और रमजान के ऊपर लोगों को सेल्स दें, डिस्काउंटेड प्राइसेस दें। आम लोगों का भी फायदा होगा कि उनको कम प्राइसेस के ऊपर इस महंगाई के दौर में चीजें मिल जाएंगी। जो भी स्टोर वाले हैं अगर वो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा कम करके, तो उनको आई थिंक ये कर लेना चाहिए अगर उनको समझ में आती है बात। अच्छा, यूएसए के अंदर जो एक थोड़ा सा ट्रेडिशन रहता है जब हॉलीडे सीजन आता है या डिफरेंट त्यौहार यहाँ पे लोकल लोगों के आते हैं, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी उनके जो त्यौहार आते हैं जैसे क्रिसमस है या और जो यूएसए के हिसाब से जो हॉलीडेज आते हैं, ठीक है, जैसे थैंक्स गिविंग हॉलीडे आता है, तो उसमें डिफरेंट ट्रेडिशन है, यानी सेल्स के हिसाब से अगर बात करें जब हॉलीडे सीजन आते हैं तो वहां पे सेल्स लगती है, डिफरेंट तरह की डील्स दी जाती है, तो उसी चीज को जहन में रखते हुए या उसी ट्रेडिशन को देखते हुए तो यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्होंने भी शायद उसका थोड़ा सा असर लिया है, और मैं नोटिस करता हूँ रमजान के ऊपर उस चीज के थोड़े से असरात नजर आते हैं जो कि यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अच्छी है। पाकिस्तानी स्टोर्स के ऊपर रमजान के हवाले से सेल्स लगाई जाती है और रमजान शुरू होने से पहले उन सेल्स को ऑफर किया जाता है। नॉर्मली आटा खजूरों के ऊपर और इस तरह की चीजों के ऊपर सेल्स लगाई जाती हैं, और खासकर यहाँ पे अब पाकिस्तानी स्टोर्स की तादाद बढ़ गई है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शेयर किया था एक चौथा बड़ा पाकिस्तानी स्टोर यहाँ हाई पॉइंट के अंदर खुल गया है, तो जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए फायदा होगा, उनको अच्छे रेट्स के ऊपर चीजें मिल सकती हैं, अच्छी डील्स मिल सकती हैं, और वही सारी चीजें होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे रमजान की आमद से पहले रमजान के हवाले से ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर सेल्स ऑफर की जा रही हैं जो कि एक अच्छी चीज है। ये सारा ट्रेडिशन आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर अब किस तरह से डेवलप हुआ है, मैं काफी सालों से मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रमजान नहीं गुजारे हैं तो मुझे वहां का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले इस तरह की सेल्स मुझे वहां नहीं देखने को मिली। ये एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि रमजान स्टार्ट होने से पहले रमजान के साथ सेल्स ऑफर की जा रही है, लोगों को डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर किए जा रहे हैं, एक अच्छी चीज है। अगर ये चीज अभी पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं हुई है तो इसको स्टार्ट होना चाहिए, और अगर स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत अच्छी चीज है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इस ट्रेंड को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए, लोगों को जो है वो मुनासिब प्राइसेस के ऊपर, कम प्राइसेस के ऊपर रमजान के अंदर चीजें मिलनी चाहिए। और नॉर्मली हम जो नोटिस करते हैं पाकिस्तान के अंदर रमजान की आमद के साथ ही जो चीजें रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट आती भी है, उसके बावजूद भी जो है उस रेट लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाता। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, इस तरह की बहुत सारे सीन देखने को मिलते हैं जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ओवरऑल कहने का मकसद यही है कि रमजान अगर स्टार्ट होने वाले हैं, रमजान की आमद है, तो उसके साथ अगर डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर किए जाते हैं, सेल्स लगाई जाती हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, ये ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे ये ट्रेंड नजर आ रहा है, एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी है और इस तरह की चीजें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह का कोई इनिशिएटिव कोई स्टोर वाला लेता है या कोई ब्रांड लेता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है और इस चीज को एनकरेज करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।